Hello friends, welcome to Knowledge Stairs. The topic for today's discussion is measurement techniques. चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक Knowledge Stairs को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। मेजरमेंट टेक्निक्स जानने से पहले हम जानेंगे मेजरमेंट किसे कहते हैं। मेजर करना दैट मीन्स किसी भी चीज को नापना। किसी भी चीज को जब हम नापते हैं उसे मेजर करना कहते हैं। हर चीज को मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि रूलर, कैलिपर, माइक्रोमीटर, गॉजेस, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, प्रोटेक्टर, वोल्टमीटर एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। और हर इंस्ट्रूमेंट अलग चीज को नापने के लिए यूज किया जाता है। हमें भी जो कुछ नापना होता है उसके लिए हम अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और अलग फ्रीक्वेंसी में उसे नापते हैं। जैसे कि अगर हमें अपनी हाइट नापनी है तो हम अपनी हाइट किस चीज में नापते हैं, फीट में और इंचेस में। दो जगह की हमें दूरी नापनी है तो हम काहे में नापेंगे, मीटर में या फिर किलोमीटर में। किसी चीज का हमें अगर वेट करना है तो हम वेट कैसे करते हैं, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, आउंसेस में, पाउंड्स में। तो टेम्परेचर अगर हमें नापना है तो हम सेल्सियस में या फॉरेनहाइट में नापेंगे। इसी तरीके से हर चीज को नापने का इंस्ट्रूमेंट भी अलग होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होती है। तो मेजरमेंट कहते किसे? मेजरमेंट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएटिंग नंबर्स और सिंबल्स। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपना जो भी चीज हम नाप रहे हैं उसे कोई नंबर दे रहे हैं या हम कोई उसे सिंबल दे रहे हैं। टू ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड इन आर रिसर्च स्टडी। अब हम जब अपनी रिसर्च करते हैं उसमें हम ऑब्वियसली डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के लिए हम जो कुछ भी जिस भी तरीके का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उन ऑब्जर्वेशंस को कुछ नंबर देते हैं या कुछ सिंबल्स देते हैं। These observations could be quantitative or qualitative. हम चाहे quantitative research कर रहे हो या qualitative research कर रहे हो, data दोनों में collect किया जाता है और दोनों में data collect करने के बाद हम उसे measure कैसे करेंगे, किस तरीके से उसमें numbers को associate करेंगे, जो हमारे respondents हैं उनके answers को हम किस तरीके से numbers देंगे या हम symbols देंगे ताकि बाद में हमें calculation करने में आसानी हो जाए। तो यही process जो होता है इसे हम मेजरमेंट टेक्निक कहते हैं। नाउ कम्स गुडनेस ऑफ मेजरमेंट स्केल। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं जो भी वो हमेशा हमें एक जैसा रिजल्ट दिखाए। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक बीपी इंस्ट्रूमेंट का। सपोज इस वक्त मैं अपना बीपी नापती हूँ और मेरा बीपी हाई आता है। 5 मिनट के बाद मैं फिर से अपना बीपी नापती हूँ और बीपी मुझे लो दिखाने लगता है। अब मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है क्यों, क्योंकि ये एक बार मुझे मेरा बीपी हाई दिखा रहा है, फौरन ही 5 मिनट के बाद मेरा बीपी लो दिखा रहा है। इतनी जल्दी से वेरिएशंस नहीं होते हैं बीपी में। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे दिमाग में क्या आएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, यानी कि ये जो नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये हमें सही रिजल्ट नहीं बता रहे हैं। तो रिसर्च में भी जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए, दैट शुड बी रिलायबल। नेक्स्ट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी किसी भी टेस्ट की क्वालिटी चेक करने के लिए की जाती है। सपोज एक कंटेंट राइटर की जॉब है और आप उससे एक टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट में उससे मैथमेटिक्स के सवाल उसे दे देते हैं और मैथमेटिक्स के सवाल के बेसिस पर आप सोचते हैं कि हम उसे कंटेंट राइटर की जॉब देंगे। भाई ज़रूरी नहीं है, कोई इंसान जो अच्छा लिख सकता है वो अच्छा कैलकुलेट भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है टेस्ट करने वाला। हमें उस इंसान को टेस्ट कैसे करना है, अगर हम एक कंटेंट राइटर की जॉब है और उसका हमें टेस्ट लेना है तो हम उससे कुछ लिखवा के देखें, हम ये देखें कि वो लिख कैसा रहा है, उसकी राइटिंग स्किल्स क्या हैं। हम उससे कैलकुलेशन का टेस्ट लेके और उसे कंटेंट राइटर की जॉब दें तो ये एक सही इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। लाइकवाइज इन रिसर्च, हम जब अपना इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा इंस्ट्रूमेंट, जो चीज़ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो उसी कैलकुलेशन को कलेक्ट करने के लिए रेलिवेंट हो। देन कम्स प्रैक्टिकलिटी। प्रैक्टिकलिटी का क्या मतलब होता है? प्रैक्टिकल का मतलब इट शुड बी इकोनॉमिकल, कन्वीनियंट एंड इंटरप्रिटेबल। इकोनॉमिकल मतलब हम जिस तरीके से अपना डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें ज़रूरत से ज़्यादा तो हमारा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, हम बजट के बाहर तो नहीं चले जा रहे हैं, अपने जितना हमारा बजट है उसके अंदर ही हम काम कर रहे हैं। कन्वीनियंट मतलब इट शुड बी ईजी टू एडमिनिस्टर, लाइक क्वेश्चनेयर जो है हमारा, इट शुड हैव क्लियर इंस्ट्रक्शंस ताकि आसानी से हम अपना डेटा कैलकुलेट कर सकें। एंड इंटरप्रिटेबल मतलब कि जब हमारा डेटा कलेक्ट हो जाए तो खाली हम ही नहीं, कोई भी उस डेटा को इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स कैलकुलेट करके बता सकता है, तो इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकलिटी। देन कम्स एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसे कहते हैं? एक्यूरेसी इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अगर हमें कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई बहुत छोटी सी चीज़ हमें उसका मेजर करना है, लाइक अ नोजपिन। अब नोजपिन इतनी छोटी होती है कि अगर हम उसे इंचेस में नापेंगे तो हमें उतनी अच्छा मेजर नहीं मिलेगा जितना अच्छा मेजर अगर हम उसे सेंटीमीटर में नापें, या उससे भी अच्छा अगर हम उसे मिलीमीटर में नापें। तो जो चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे, हमें वो चीज़ सुननी चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट चुनना चाहिए जो हमें ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे, इसीलिए इसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। नाउ कम्स द प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट। मेजरमेंट करते वक्त या डेटा कलेक्ट करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है, दैट इज फ्रॉम द रिस्पोंडेंट साइड। रिस्पोंडेंट साइड मतलब जिस रिस्पोंडेंट को हमने सिलेक्ट किया है अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए। अब सपोज हमने एक ऐसा रिस्पोंडेंट चुन लिया जिसको खुद ही बहुत कम नॉलेज है, अब हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन उसे उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा? गेस करेगा, उल्टे उल्टे आंसर देगा, या वो बहुत बोर हो रहा है, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो उलझ रहा है, उसे जल्दी है, बहुत जल्दी वो निपटाना चाहता है हमारा क्वेश्चन है, तो वो उल्टे सीधे कैसे भी आंसर दे के छोड़ के निपटा के जाना चाहेगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है हमारी, वो रिस्पोंडेंट के साइड से आती है कि रिस्पोंडेंट हमारा सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वो हमें सही आंसर नहीं बता रहा है, तो ऐसे में हमारा डेटा गलत कलेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर यानी कि हम। अब सपोज हम ही सीरियस नहीं है डेटा कलेक्ट करने के वक्त, हम ही उस पे सीरियसली बात नहीं कर रहे हैं उससे, हमारा बिहेवियर बहुत ही डल है, बहुत ही चलताऊ है, हम चाह रहे हैं बस हो जाए डेटा कलेक्ट, तो जो ऐसा हमारा एटीट्यूड होगा रिस्पोंडेंट का भी एटीट्यूड वैसा ही होगा। अगर हम इंथुजियास्टिकली उससे पूछेंगे, हम पूरा खुद बहुत इंटरेस्ट लेके उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो रिस्पोंडेंट में भी एक इंटरेस्ट पैदा होगा, वो सही आंसर हमें बताएगा, और हम ही बहुत बोर होके बहुत ही चलता हो, चलो हो जाए बस डेटा कलेक्ट हो जाए जैसा भी हो, अगर ये हमारा एटीट्यूड होगा तो ऑब्वियसली रिस्पोंडेंट का भी एटीट्यूड वैसा ही हो जाएगा हमें देख के। तो इंटरव्यूअर को खुद बहुत ध्यान रखना चाहिए डेटा कलेक्ट करते वक्त, ही और शी शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड, बहुत इंथुजियाज्म के साथ जाइए, कायदे से बात करिए, अपना पूरा क्वेश्चनेयर साथ में लेके जाइए, आप जिस चीज के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अगर रिस्पोंडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है आपके पास उस बात का जवाब होना चाहिए, तो जितना अच्छे से आप बात करेंगे रिस्पोंडेंट से उतना अच्छा आपका डेटा कलेक्ट होगा। देन कम्स सिचुएशन। सिचुएशन यानी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि उस सिचुएशन में रिस्पोंडेंट हमें सही जवाब नहीं दे पाता। सपोज एक टीचर प्रेजेंट है क्लास में और उसकी प्रेजेंस में आके प्रिंसिपल पूछते हैं कि आपको ये टीचर कैसी लगती हैं।
अब ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन टीचर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उस टीचर के सामने नहीं बता पाएंगे। वो ऐसी सिचुएशन है, वो अपने टीचर के सामने सही बात नहीं बता पाएंगे और सब लोग सामने सामने कह देंगे हाँ बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे। लेकिन सिचुएशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो गई कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट सच नहीं बोल सकता। कई बार इस तरीके से होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने सच नहीं बोल पाते, बहू अपनी सास के सामने नहीं बोल सकती, किसी बात को सच नहीं बता सकती। कई सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर रिस्पोंडेंट के लिए वो सिचुएशन, वो जगह, वो एनवायरनमेंट फिट नहीं बैठता कि वो सच बात बता पाए। आप लोगों ने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा साइकोलॉजिस्ट के बारे में, या आपने किसी ने पर्सनल तौर पे मिला हो कोई साइकोलॉजिस्ट से, तो वो आपको अलग बिठा के अकेले में आपसे बात करते हैं। अकेले में क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो एक अनजान शख्स है और वो ये मानते हैं कि आप बिल्कुल अकेले होंगे तो दिल खोल के अपनी सारी बात उस साइकोलॉजिस्ट को बता पाएंगे। वही आपके सामने आपका कोई फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके स्पाउसेस हैं, तो आप सही बात नहीं बता पाते। तो सिचुएशन सिचुएशन टू सिचुएशन हमारे आंसर्स पर डिफरेंस आता है। तो सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि हमें सही डेटा नहीं मिल पाता। देन कम्स इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कुछ ऐसे हम डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं अपने मेजरमेंट में जो हमें सही रिजल्ट नहीं देंगे। जैसे कि हमने अपने क्वेश्चनेयर में बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड डाल दिए, बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमने डाल दिए जिनके कई मीनिंग निकल रहे हैं, हम क्या पूछना चाह रहे हैं, रेस्पोंडेंट समझ क्या रहा है, वो आंसर क्या कर रहा है, बाद में हम इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन शुड बी वेरी सिंपल, या फिर वो उसकी फॉर्मेटिंग इतनी खराब है कि उसे पढ़ने में उसे बोरियत हो रही है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करना चाहता, या फिर उसके पास नंबर ऑफ चॉइसेस जो हमने दी है उसमें से कोई चॉइस उसके लिए फिट नहीं बैठ रही। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें वो किसी पे भी टिक लगाना नहीं चाहता, उसके पास रिप्लाई करने के लिए इनएडिक्वेट स्पेस है। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि हमारा सही मेजरमेंट नहीं हो पाता डेटा। खासकर हमें ये देखना चाहिए कि हम किस लेवल के लोगों का इंटरव्यू करने जा रहे हैं। अगर सपोज हम किसी इलिटरेट का या बहुत कम पढ़े लिखे आदमी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हो ताकि उसे वो सुनते ही क्वेश्चन फौरन समझ में आ जाए। अगर हमें लगता है कि हम किसी प्रोफेसर का, किसी साइंटिस्ट का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चनेयर्स में हम थोड़ी सी टिपिकल वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है वो उनके मीनिंग को समझता है। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो हमारा क्वेश्चनेयर है या जिस तरीके से हम अपना डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, दैट शुड बी वेरी सिंपल। नाउ व्हाट आर द टूल्स ऑफ मेजरमेंट स्केल? मेजरमेंट स्केल के टूल्स क्या होते हैं, किस किस तरीके से हम मेजर करते हैं? सबसे पहला होता है नॉमिनल स्केल। सबसे सिंपल, सबसे पहला जिसे हम कहते हैं नॉमिनल स्केल, इट इज सिंपली अ सिस्टम ऑफ असाइनिंग नंबर्स और सिंबल्स टू इवेंट्स इन ऑर्डर टू लेबल देम। नॉमिनल स्केल में हम क्या करते हैं, सिर्फ कोई नंबर या सिंबल किसी को दे देते हैं ताकि हम एक शख्स को दूसरे शख्स से अलग आइडेंटिफाई कर सके। सिर्फ यहाँ पर मतलब क्या होता है नंबर या सिंबल असाइन करने का, सिर्फ एक शख्स को दूसरे से अलग पहचानना। लाइक असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू क्रिकेट प्लेयर्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई देम। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट में हर क्रिकेटर जो जर्सी पहनता है उसके पीछे एक नंबर लिखा होता है। उस नंबर का उस क्रिकेट प्लेयर के प्रोफेशनल रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं होता। किसी क्रिकेटर ने कोई नंबर चूज किया उसके पीछे रीजन अलग होगा, किसी क्रिकेटर ने कोई नंबर चूज किया उसके पीछे रीजन अलग होगा। जैसे MS धोनी की शर्ट पे लिखा रहता है 7। ये कहा जाता है कि MS धोनी 7 जुलाई को पैदा हुए थे इसलिए उन्होंने 7 नंबर चूज। विराट कोहली की शर्ट पे लिखा रहता है 18। अभी कहा जाता है कि 18 दिसंबर को उनके फादर की डेथ हुई थी, तो वो अपनी शर्ट के पीछे हमेशा 18 नंबर लिखते हैं एंड ही फील्स हिज फादर इज अराउंड है। सचिन तेंदुलकर की शर्ट के पीछे 10 लिखा रहता है, उनका मानना यह है कि उनके नाम में
टेन आता है, TEN से उनका नाम शुरू होता है, तो इस वजह से वो अपनी शर्ट के पीछे 10 लिखते हैं। वन लिख रहा है, कोई टू लिख रहा है, कोई सेवन लिख रहा है, कोई 18 लिख रहा है, कोई 33 लिख रहा है, कोई 10 लिख रहा है। इससे उनके करियर से कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ एक नंबर है, जिस एक नंबर के प्लेयर से दूसरे नंबर के प्लेयर को हम अलग कर सकते हैं। सिर्फ जैसे कि हमारा नाम अलग होता है, इसी तरीके से हमारा नंबर अलग होता है। यहां पर नंबर असाइन करने का मतलब है एक को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। किसी भी इंसान को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इवेंट को एक से दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो नंबर देते हैं, उसे हम नंबरिंग को हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। वन कैन नॉट डू मच विद द नंबर्स इन्वॉल्व। नॉमिनल स्केल इज द लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट। लीस्ट पावरफुल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर जो भी नंबर हम दे रहे हैं उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। इट इंडिकेट्स नो ऑर्डर और रिलेशनशिप एंड हैज नो अरिथमेटिक ओरिजिन। यहां पर क्या हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, एक किसी को फर्स्ट दिया है तो किसी को सेकंड दिया है, तो उसका कोई अरिथमेटिक ओरिजिन नहीं है। सिर्फ एक चीज को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। जैसे कि आप लोगों का मोबाइल होता है, आप लोग इमेजेस सेव करते हैं, इमेजेस सेव करने में आप इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री, इमेज फोर, इमेज फाइव करके नाम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इमेज वन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इमेज फाइव या इमेज फाइव इज लेस इम्पोर्टेंट देन इमेज टू। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक इमेज दूसरे इमेज से अलग हो जाए, इस वजह से हम वो एक नाम दे रहे हैं। तो किसी इंसान को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इवेंट को कोई ऐसा नंबर देना या कोई ऐसा सिंबल देना ताकि वो एक से दूसरे से हम अलग डिफरेंशिएट कर सके, इसी को हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। इट सिंपली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन थिंग्स बाय असाइनिंग देम नंबर्स। सिर्फ एक चीज को दूसरी चीज से अलग करने के लिए हम उसे नंबर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल स्केल। देन कम्स ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल किसे कहते हैं? इट प्लेसेस इवेंट्स इन ऑर्डर। नाम से ही ऑर्डिनल, ऑर्डर से बना हुआ है। इट प्लेसेस इवेंट्स इन ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि हम एक सीक्वेंस में लगाते हैं। बट डोंट मेक द इंटरवल्स ऑफ द स्केल इक्वल। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हमारा इंटरवल जो है वो इक्वल हो, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो बीच का डिफरेंस है वो इक्वल हो। लाइक सैम्स पोजीशन इन हिज क्लास इज 10th एंड मार्क्स पोजीशन इज 20th। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सैम की पोजीशन 10th है क्लास में और मार्क्स की पोजीशन 20th है। इसका मतलब ये नहीं है मार्क्स के जितने भी मार्क्स हैं वो सैम के मार्क्स के हाफ है, इस वजह से उसकी जो पोजीशन है वो उसकी जस्ट डबल है। Then it can't be said that Sam's position is twice as good as that of Mark. और इसी तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि Sam's की position twice good है Mark के। Suppose there are four students in a class A, B, C and D. A scored 95% marks, B scored 93% marks, C scored 92% marks and D scored 89% marks. तो इस हिसाब से ए हो गया फर्स्ट, बी हो गया सेकंड, सी हो गया थर्ड एंड डी हो गया फोर्थ। अब यहां पर हमने इन लोगों को ऑर्डर किस हिसाब से दिया, उनकी परसेंटेज के हिसाब से। अब देखिए परसेंटेज के बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है। ए और बी के बीच में 2% का फर्क है, बी और सी के बीच में 1% का फर्क है और फिर सी और डी के बीच में 3% का फर्क है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बराबर नहीं है, सिर्फ क्या है ऑर्डर में हमने लगा दिया, सीक्वेंस में लगा दिया। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि बी सेकेंड है और डी फोर्थ है तो इसका मतलब बी इज ट्वाइस गुड एज डी। इसका मतलब ये नहीं है कि बी जो है डी से ट्वाइस गुड हो गया, नहीं, बी और डी में सिर्फ 4% का फर्क है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ऑर्डर में लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऑर्डर में लगाने को हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। ऑर्डिनल स्केल्स ओनली परमिट द रैंकिंग ऑफ आइटम्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रैंक कर रहे हैं, फ्रॉम हाइएस्ट टू लोवेस्ट या फ्रॉम लोवेस्ट टू हाइएस्ट, चाहे हम ऊपर से नीचे, चाहे नीचे से ऊपर, हम
ऑर्डर करते हैं, एंड हैव नो एब्सोल्यूट वैल्यूज। और यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है कि सेकंड का मतलब और फोर्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि सेकंड वाला फोर्थ से 2 गुना ज्यादा अच्छा है, ठीक है? तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यूज की हम बात नहीं कर रहे हैं। एंड द रियल डिफरेंसेज बिटवीन एडजेसेंट रैंक्स मे नॉट बी इक्वल, और इन लोगों के जो बीच का डिफरेंस है वो भी इक्वल नहीं होता। जैसे कि मैंने ए बी सी डी के बीच में बताया कि किसी के बीच में 2% का फर्क था, किसी के बीच में 1% का था, तो किसी के बीच 3% का फर्क था। सिंस द नंबर ऑफ दिस स्केल हैव ओनली अ रैंक मीनिंग, यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, हम रैंक के हिसाब से लगा रहे हैं। द एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मीडियन, यहाँ पर जो बेस्ट मेथड है, स्टैटिस्टिकल टूल जो यहाँ पे बेस्ट अप्लाई हो सकता है, दैट इज मीडियन। क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करते वक्त हम इसी तरीके से करते हैं कि पहले हम सारे अपने जो रिस्पॉन्सेस होते हैं उसे सीक्वेंस में लगाते हैं और उसके बाद हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट मैथमेटिकल टूल लग सकता है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। देन कम्स इंटरवल स्केल। इंटरवल नाम समझ में आ रहा है, हम किसी चीज के गैप की बात कर रहे हैं, इंटरवल की। इन दिस टाइप ऑफ स्केल द इंटरवल आर एडजस्टेड इन टर्म्स ऑफ सम रूल दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ बेसिस ऑफ मेकिंग द यूनिट्स इक्वल। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ इंटरवल देते हैं, कुछ गैप देते हैं बराबर का, ताकि हमारी यूनिट्स इक्वल रहे। इंटरवल स्केल्स प्रोवाइड मोर पावरफुल मेजरमेंट देन ऑर्डिनल स्केल। ऑब्वियसली इंटरवल स्केल हमारे ऑर्डिनल स्केल से ज्यादा पावरफुल स्केल है, बिकॉज इंटरवल स्केल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इंटरवल। यहाँ पर इक्वालिटी की भी बात होती है और इंटरवल की भी बात होती है। सपोज मैंने 50 मार्क्स का एक टेस्ट लिया एक क्लास में, वहां पर 30 स्टूडेंट्स हैं। Now it will be very difficult for me to analyze that how many students are performing good, how many students are weak in my subject, and how many average students are there in the class. तो अब मैं क्या करूंगी, जो उनके टेस्ट के मार्क्स आए हैं उन्हें मैं इस तरीके से 30 के 30 अलग लिखने की जगह मैं क्या करूंगी, उन्हें कुछ थोड़ा थोड़ा से इंटरवल के बीच में लिखूंगी, ताकि मुझे उन्हें देखना आसान रहे, एनालाइज करना आसान। सपोज मैंने कुछ कैटेगरीज बना दी, जैसे लेस देन 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। अब मैं ये देखूंगी कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 10 से कम मार्क्स आए। सपोज देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 10 मार्क्स, देन आई एनालाइज दैट देयर आर 4 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड बिटवीन 10 टू 20। इसी तरीके से देयर आर 8 स्टूडेंट्स who scored between 20 to 30 and there are 10 students who scored between 30 to 40 and finally there are 6 students those scored between 40 to 50। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं एनालाइज करना मुझे आसान हो गया। अब सपोज मैं ये मानती हूँ कि जिसने के 20 मार्क्स से कम आए, यानी कि 40% से मार्क्स कम आए, वो मेरी क्लास मेरे सब्जेक्ट में वीक स्टूडेंट है। तो हम क्या देखेंगे, 2 + 4 यानी कि 6 स्टूडेंट्स आर देयर विच आर वीक इन माय सब्जेक्ट। फिर मैं देखूंगी 20 से 40 के बीच जिसने भी स्टूडेंट्स आए वो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि 8 + 10 दैट मींस 18 स्टूडेंट्स आर एवरेज इन माय सब्जेक्ट, एंड हु स्कोर्ड मोर देन 40 तो दे आर गुड इन माय सब्जेक्ट, दैट इज 40 to 50 में देखूंगी 6। सो देयर आर 6 स्टूडेंट्स इन माय क्लास हु आर वेरी गुड इन माय सब्जेक्ट। तो इस तरीके से जब मैं इंटरवल स्केल यूज करूंगी तो मुझे उस चीज को एनालाइज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। मीन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हाइल स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। यहाँ मीन सबसे एप्रोप्रिएट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, जो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का सबसे बेस्ट मेजर है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, जो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके के स्केल में। नेक्स्ट कम रेशियो स्केल। अब रेशियो स्केल क्या होता है, रेशियो स्केल रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पर रेशियो स्केल क्या कैलकुलेट करता है, एक्चुअल अमाउंट वेरिएबल का एक्चुअल अमाउंट कैलकुलेट करता है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स एब्सोल्यूट और ट्रू जीरो ऑफ मेजरमेंट।
यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे मेजरमेंट में जीरो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। अभी तक हमारे नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल में कहीं जीरो वैल्यू नहीं आ रही थी, लेकिन सपोज हमने कोई चीज कैलकुलेट की उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है जीरो, वो हम काहे में लिखते, किस तरीके के स्केल में लिखते हैं। तो रेशियो स्केल हमें वो चीज प्रोवाइड करता है जहां पर हम जीरो को भी कंसीडर करते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर मेजरिंग द फिजिकल डायमेंशन सच एज हाइट, वेट, डिस्टेंस एक्सेट्रा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, कितनी हाइट है, कितना वेट है, कितना डिस्टेंस है। लाइक द 0 पॉइंट ऑन सेंटीमीटर स्केल इंडिकेट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हाइट और लेंथ। सपोज कोई चीज हमने नापी, उसका आंसर आ रहा है जीरो। जीरो मीन्स वहां पर कुछ भी नहीं है, कोई हाइट नहीं है, कोई लेंथ नहीं है। विद रेशियो स्केल्स वन कैन मेक द स्टेटमेंट्स लाइक जॉन्स टाइपिंग परफॉर्मेंस वाज ट्वाइस एज गुड एज दैट ऑफ रॉबर्ट्स। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, क्योंकि हम एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा कंपैरिजन भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर जॉन 1 मिनट में 20 वर्ड टाइप करता है और रॉबर्ट जो है 1 मिनट में 10 ही वर्ड्स टाइप कर पाता है, तो हम यहाँ पर हम एक्चुअल वैल्यूज में बता सकते हैं जॉन्स टाइपिंग परफॉर्मेंस इज ट्वाइस एज गुड एज दैट ऑफ रॉबर्ट्स। रॉबर्ट की टाइपिंग स्पीड से ट्वाइस अच्छी है जॉन की स्पीड। जनरली ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूजेबल विद रेशियो स्केल्स एंड ऑल कैलकुलेशंस दैट वन कैन कैरी आउट विद द रियल नंबर्स कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट विद द रेशियो स्केल वैल्यूज। हर तरीके का स्टैटिस्टिकल टूल हम रेशियो स्केल में अप्लाई कर सकते हैं। जो भी तरीके का हम स्टैटिस्टिकल टूल लगाने जाएं, चाहे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन या कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल जो भी हम लगाना चाहते हैं, हर तरीके का स्टैटिस्टिकल टूल रेशियो स्केल पर एप्लीकेबल होता है। तो ये सबसे पावरफुल स्केल कहलाता है। सपोज हम इन सबको एक कंबाइंड डायग्राम में देखें, तो हम देखेंगे नॉमिनल सबसे कम है, जिसमें हम क्या करते हैं सिर्फ नेम्ड वेरिएबल्स, यानी कि यहाँ पर हम खाली वेरिएबल्स को सिर्फ नाम देते हैं। देन कम्स ऑर्डिनल जो उससे ऊपर होता है, यहाँ पर वेरिएबल्स को नाम भी मिलते हैं प्लस ऑर्डर भी मिलता है। देन कम्स इंटरवल स्केल जहाँ पर नाम भी मिलता है, ऑर्डर भी मिलता है और वेरिएबल्स के बीच में एक प्रोपोर्शनेट इंटरवल भी क्रिएट किया जा सकता है। एंड सबसे ऊपर आता है रेशियो स्केल, जिसमें और बाकी 3 स्केल की भी खूबियां होती हैं। हमारे वेरिएबल्स को नाम भी मिलता है, ऑर्डर भी मिलता है, प्रोपोर्शनेट इंटरवल भी हम क्रिएट कर सकते हैं वेरिएबल्स के बीच में, और यहाँ पर हम जीरो की वैल्यू को भी एकोमोडेट करते हैं। तो ये हमारे 4 तरीके के स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नॉमिनल सबसे कम, उससे ज्यादा ऑर्डिनल, उससे ज्यादा इंटरवल और सबसे हायर जो होता है दैट इज रेशियो स्केल। ये हमारी सीक्वेंस है। तो नॉमिनल सबसे कम पावरफुल होता है और रेशियो स्केल सबसे ज्यादा पावरफुल स्केल है मेजरमेंट का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नॉलेज स्टेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक।